आप ये बोल रहे हैं कि सबके लॉ एक जैसे होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा लॉ सी होना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट्स द पॉइंट, आप कहां सबके से, लिए अगर अमेरिका से हैं आप एक ना, आप अमेरिका से बोल सब रहे हैं ना, या तो अमेरिका सबके में जो लिए स्टेट्स आप हैं अलग अलग उनके सबके, अच्छा फैमिली लॉज छोड़ दीजिए, क्रिमिनल लॉज भी अमेरिका में जो स्टेट्स हैं अलग अलग, क्या सबके लॉज एक जैसे हैं? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, वेरी फ्यू आर डिफरेंशिएशन फैक्टर्स, अरे भाई बट अभी अभी अगर जो है, अभी ट्रम्प के आने के बाद उस जब कोर्ट की तरफ से जो है अबॉर्शन के बारे में एक कुछ एक कवानीन बने हैं, तो कितना कैओस था अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स का। तो हमको तो यही पता चला है कि अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉ होते हैं, इवन क्रिमिनल लॉ भी अलग अलग होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये सिर्फ बता दें आप मुझको। सी आउट ऑफ 100 थिंग्स, इफ वन थिंग इज डिफरेंट तो वो भी अलग हुआ नहीं है, अलग मोर है कि नहीं देन है, क्रिमिनल लॉज भी अलग है ना, इसका मतलब अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के क्रिमिनल लॉज भी अलग अलग हैं। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ आपसे। नॉट आप ओनली अमेरिका क्रिमिनल से बोल रहे हैं लॉज. ना? हाँ सी एवरी नॉट ओनली इन द क्रिमिनल लॉ, एवरी अदर लॉज ऑल्सो हैव सटल डिफरेंसेस इन वेरियस है स्टेट्स. डिफरेंसेस ना, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। तो उन तो डिफरेंसेस इन की स्टेट वजह से में क्या कॉमन प्रॉब्लम हो कॉमन्स रहे हैं? भी तो है, आप हाँ भाई कॉमन की दैट तो यहाँ पे डिफरेंसेस तो आर बता रहे नॉट ना कि यहाँ तो ह्यूज, सिविल, दैट्स अ यहाँ सिविल लॉ की सिर्फ बात 0.01% हो रही है ना, तो डिफरेंसेस. फैमिली डिफरेंसेस हैं, यानी आप मान लेंगे डिफरेंसेस है। उसके बावजूद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब सुपर पावर है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसके ट्रू बावजूद सरवाइव कर रहा है, इसके बावजूद अमेरिका दुनिया को लीड कर रहा है ना। ट्रू, तो फिर अब बिकॉज आप जहां पे रह रहे हैं वहां की मिसाल मैंने आपको दे दी कि अगर लॉज अलग अलग हो तो उससे कोई इतना बड़ा क्योस नहीं होता जितना आप बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ फैमिली लॉज की बात है, पर्सनल लॉज की बात है। तो अगर अलग हो भी जा रहे हैं और उसकी वजह से कोई इतना बड़ा क्योस या इंतजार या कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई एक्सट्रीमिज्म इस तरह का नहीं है जो आपने अपने माइंड में बना लिया कि होना चाहिए। शुक्रिया। नो, आई हैव सीन ऑन द ग्राउंड, सो आई टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एज माई पेरेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस, ओके, एंड आई होप इंडिया भी इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी वो बहुत सारे अलग ऐसे टॉपिक है, इट्स केसेस नॉट होते हैं. कनेक्टेड टू पर्सनल लॉस। या जी पर्सनल स्टिल लॉस से कनेक्टेड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म भी होते हैं ना तो भी वो प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी जगह पर होते हैं, वो चीज का एक अलग सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम्स है ना, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना दुनिया में, कि भाई एक दूसरे के, जैसे दुनिया के अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करें, अंडरस्टैंड करें। और इस्लाम जहां तक ये सिखाता है कि किसी पे जुल्म नहीं हो, और कोई अगर कोई रिलीजन का फॉलोअर हो तो उसके अंदर लाइक रॉ ऑफ दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, और ये सारी चीजें हैं। आपका कोई स्पेसिफिक और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जैद भाई, इस पे अगर कुछ आपके पास डेटा हो तो बताइएगा, या हमारे किसी नाजरीन के पास। यो ये स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना, कि अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के, जहां तक मैं जानता हूँ कि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा चाहिए, जो डिफरेंसेस, इन्होंने कहा जीरो बहुत पॉइंट ज्यादा नाइन नाइन डिफरेंसेस परसेंट है हैं। ना, ये ये इनका ये मुझे जी, नहीं दे आर सही लगता मेजर कि जो ये डिफरेंसेस, बोल रहे हम हैं, लॉज डिफरेंसेस बहुत ज्यादा, में मेजर डिफरेंसेस देयर हैं। वुड हैव बीन हाँ लेस देन 1% ऑफ डिफरेंस. यानी मैं तो ये जानता डू हूँ कि यू हैव एनी प्रूफ फॉर कुछ दिस? अमेरिका के बाद स्टेट्स को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, बाद को लिबरल कहा जाता है, कहीं पे लिबरलिज्म का गलबा है, कहीं पे एक्सट्रीमिस्ट का गलबा है। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस है कि इन डिफरेंसेस की वजह से बाज स्टेट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं और बाज लिबरल कहलाते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस सिर्फ 9.1% है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बात तो सही आपके पास कोई स्टैटिस्टिक है प्रूफ करने के लिए? डू यू हैव एनी सच है। प्रूफ, सर्वे, स्टडी, सम कंपाइलेशन? हाउ हैव यू कंक्लूडेड? आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि 99.9% सेम है? ये कैसे आपका अजम्पशन है ना, ये नो, आई एम कि कोई सेइंग साइंटिफिक स्टडी है? ओवरऑल. कैन यू जस्ट थ्रो फिगर्स लाइक दिस ओनली विदाउट एनी बेसिस कोई? और अगर आपको गलत साबित करते हैं तो फैक्ट ये है ना कि देयर मेजर डिफरेंसेस एक्चुअली इन मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑब्जर्वेबल, अबॉर्शन लॉज के अंदर, गन लॉज के अंदर, कई सारी चीजें। और सिविल लॉज नहीं, क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है यहाँ, हम लोग क्रिमिनल लॉज की बात भी नहीं कर रहे हैं।